This is Vinod Yadav, your chemistry educator at an academy. Today I am going to discuss a very important table. ये chapter ये table है आपके solid state की है. यहाँ से अगर हम बात करें IIT JEE की, तो एक question जो आपके definitely आता ही आता है. So जो table है आपकी, ये आपकी basic research system के about है. So basically अगर हम बात करें इस table में, तो we are going to discuss about distal system, axial distance, axial angle and number of lattice possible. तो पहले अगर हम बात करें बेसिक सिस्टम के बारे में, तो बेसिक सिस्टम जो आपके हैं, दैट इज क्यूबिक, देन आपका टेट्रागोनल है, देन आपका ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक. तो अगर हम फ्रीक्वेंटली देखें तो बच्चे जो है वो इनको नाम याद करने में काफी दिक्कत करते हैं. तो पूरी टेबल का जो कंटेंट है उसके याद करने बच्चों को दिक्कत आती है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इसके नाम है बेसिक सिस्टम के, इनका अगर हम बात करें याद करने की, तो हमारी ट्रिक है, एक ट्रिक का नाम है सी टॉम हरियाणा टेक है. तो जो सी है, सी स्टैंड फॉर चौधरी. तो देखिए जो बंदा है वो हरियाणा का है, तो चौधरी नाम है उसका. तो चौधरी से अगर हम देखें तो सी स्टैंड फॉर क्यूबिक, सी स्टैंड फॉर क्यूबिक. आगे अगर हम देखें टॉम, तो टॉम में अगर हम टी देखें तो टी स्टैंड फॉर टेट्रागोनल, ओ स्टैंड फॉर ऑर्थो रोम्बिक, एम स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक. तो जो टॉम है ये बड़े काम का पर्सन है, कुछ से अगर हम देखते हैं हमारे तीन नाम याद हो गए. नेक्स्ट अगर हम देखें हरियाणा, तो हरियाणा जो वर्ड हम देखते हैं, जब भी आप हरियाणा की गाड़ी देखते हो तो वहां पर आपको दो वर्ड दिखाई देते हैं, दैट इज एच आर. क्या वर्ड दिखाई देते हैं आप लोगों को? एच आर. तो एच से अगर हम देखें तो एच से आपका आएगा हेक्सागोनल, टी से आर से अगर हम देखें तो आर से हमारा आएगा रोम्बोहेड्रल, और टे से अगर हम देखें तो टे से हमारा आएगा ट्राइक्लिनिक. आगे जो है वर्ड है, इसे वर्ड कंप्लीट करने के लिए है. तो जैसा कि अगर हम देखें तो हमें जो सात बेसिक कृषि सिस्टम है उनके नाम भी याद हो गए. कैसे? चौधरी जो टॉम है ये आपका हरियाणा टेक है. तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक. अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा? एक्सियल डिस्टेंस याद करने का. तो कैसे याद करेंगे? पहले सारे जो डिस्टेंस है वो आपके बराबर है. नेक्स्ट क्या है आपका? पहले तो आपके इक्वल है, थर्ड वाला आपका अनइक्वल है, नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो कोई भी आपका इक्वल नहीं है. अब जो आपने यहां तक पैटर्न देखा है, जो आपने पैटर्न यहां तक देखा है, इसको आपको उल्टे डायरेक्शन में कॉपी पेस्ट कर देना है. अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में कॉपी पेस्ट करूं तो बेसिकली क्या है आपका? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, वो आपका आ गया. नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाली टेबल आपकी आ गई. नेक्स्ट अगर हम देखें फर्स्ट वाली एंट्री, ये हमारी आ गई सिक्स नंबर पर. अब देखिए जो पैटर्न है खत्म हो गया है, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है वहीं से हम लोग फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे. तो यहाँ पर अगर टेबल देखें, एक्चुअली डिस्टेंस की तो हमने पूरी टेबल कवर कर ली है. कैसे कवर की है? पहले सभी इक्वल है, नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें सेकंड अनइक्वल है, थर्ड वाले में अगर हम देखें कोई भी इक्वल आपका नहीं है, देन जो थ्री वाला जो पैटर्न था इसी को सेम को मैंने, मतलब जो थर्ड वाला जो नंबर वाला जो है वो आपका फोर्थ नंबर पर है, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है. और नेक्स्ट अगर हम देखें जहां से थर्ड नंबर से स्टार्ट किया था वही आपका सेवंथ नंबर पर. तो बड़ी आराम से अगर हम देखें तो जो हमारे डिस्टेंसेस है वो हम लोगों ने यहाँ पर याद कर लिया है. अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा? एक्सियल एंगल याद करने का. तो बड़ा आसान तरीका है, पहले क्या करो, पहले जो तीनों जो एंगल है वो आपके बराबर है और सबके सब 90 है. तो बड़े आसान से अगर हम देखें तो तीन डाटा में याद हो गए. अब क्या करिए, आप लास्ट वाले डाटा पे जाइए. तो लास्ट वाला डाटा क्या है आपका? सभी जो अल्फा बीटा गामा है उनके बीच में इक्वल टू का साइन पुट कर दीजिए, 90 के बराबर भी डाल दीजिए. लास्ट में डाटा में आराम से याद हो गया. नेक्स्ट वाले में क्या करना है, आपको तीनों को इक्वल कर देना है, बट कोई भी 90 के बराबर आपका नहीं है, कोई भी 90 के बराबर आपका नहीं है. तो इस वाले डाटा में अगर हम देखें तीनों इक्वल है बट कोई भी 90 के बराबर आपका नहीं है. अब अगर हम पूरे डाटा की बात करें तो क्या करना है आपको? अल्फा और गामा मतलब जो फर्स्ट और थर्ड है उनको आपको 90 के बराबर पुट करना है, और जो सेकंड वाला है वो 90 के बराबर आपका नहीं है. अब इस पैटर्न में अगर हम देखें तो मैंने फर्स्ट और थर्ड जो है उसको मैंने इक्वल किया है. अब नंबर किसका है? फर्स्ट और सेकंड का. तो फर्स्ट और सेकंड जो आपका है ये आपका 90 के बराबर है, बट जो थर्ड वाला है
देखिए पहले वाले में फर्स्ट और थर्ड है, आप कौन से आपके फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर जो थर्ड एंगल है आपका गामा, ये इस बात में आपका वर्ड पढ़ दी। अगर आप फिर से पर रिकॉल करें तो पहले तीनों इक्वल और सभी 90, लास्ट वाले में जाइए सारे एलिमेंट कोई भी 90 के बराबर इक्वल नहीं, देन तीनों इक्वल कोई भी 90 के बराबर नहीं, ये पांच जगह बहुत सिंपल था। देन फर्स्ट थर्ड को इक्वल करना 90 के बराबर, नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड को मुझे इक्वल करना है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ लैटिस पॉसिबल। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉसिबल अगर हम देखें तो हम लोग बहुत सारे नंबर से याद करते हैं, तो इस डाटा को आपको याद करना मोबाइल नंबर के फॉर्म में। तो मोबाइल नंबर क्या है आपका, कैसे डाटा याद करना आपको मोबाइल नंबर के फॉर्म में, बट ये मोबाइल नंबर 10 डिजिट का नहीं है, ये आपका है 3242111। तो दो तीन बार अगर इस वर्ड को आप बोलोगे 3242111 तो डाटा आपको याद यहाँ पर हो जाने वाला है। तो 3242111 में अगर हम देखें तो 3 का मतलब ये है कि जो हमारा क्यूबिक है, जो हमारा क्यूबिक है उसमें तीन मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, दैट इज सिंपल क्यूबिक या फिर इसको हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं, देन अगर हम देखें तो आपका आएगा बीसीसी, देन अगर हम देखें तो हमारा आएगा एफसीसी। नेक्स्ट अगर हम देखें 2, तो 2 में अगर हम बात करें तो 2 में आपकी दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रिमिटिव सब में आने वाला है कॉमन, क्योंकि सबसे बेसिक सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बीसी स्टैंड फॉर बॉडी सेंटर, 4 में अगर हम देखें जो भी पॉसिबिलिटी सबको सबको आपको ले लेना है, तो सारी पॉसिबिलिटी में कौन सी आती है आपकी, प्रिमिटिव आती है, बॉडी सेंटर आती है, फेस सेंटर आता है, और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या आती है आपकी एंड सेंटर आती है। तो चार में पॉसिबिलिटी कवर हो गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका 2 है, तो 2 में अगर हम देखें प्रिमिटिव तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा उसको अगर हम थोड़ा सा जस्टिफाई करें तो एक छोटा एक और ट्रिक है, ट्रिक ये है कि अगर हम जेड इफेक्टिव की बात करें तो जब हम जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो वहां पर बीसी मतलब बॉडी सेंटर की अगर हम बात करें और एंड सेंटर की अगर हम बात करें इसके लिए क्यूबिक के लिए दोनों के लिए वैल्यू 2 आती है। थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल कर सकते हो कि बीसी मतलब बॉडी सेंटर वाला जो ऑलरेडी रिपीट हो चुका है आपका, तो वो आएगा नहीं आपका, तो कौन आएगा आपका एंड सेंटर आएगा, जस्ट याद करने का तरीका है। उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद वाले सारे कौन से आपके प्रिमिटिव है, तो अब अगर हम सबको ऐड करें तो इन सबको अगर हम ऐड करने का देखें तो 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, 9 + 2 = 11, 12, 13, 14, यहाँ पर जो उनका सम आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो ये हमारे जो 7 है ये हमारे बेसिक सिस्टम है और उनसे जो पॉसिबल वेरिएशन पॉसिबल है वो कितने हैं हमारे 14। अब इन पॉसिबल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो देखो हम लोग बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस, तो 7 बेसिक सिस्टम है और 14 हमारे ब्रेवाइस लैटिस। तो आई होप आप लोगों को जो पूरी जो टेबल है वो याद हो गई होगी। सो थैंक यू एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज आप जो है हमारा अनअकैडमी वाला चैनल प्लीज आप सब्सक्राइब करें। Thank you.